हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। रिलेशन एंड फंक्शंस के लास्ट एक्सरसाइज हमने 2.3 कवर की थी, एग्जांपल्स ऑफ 2.3। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें रेंज और डोमेन के आपके जो टॉपिक है और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 3 एंड 3x, एक्स लाइज बिटवीन 3 to 10। मीन्स एफ एक्स को आपके पास गिवन है फंक्शन, एक्स की वैल्यू 0 से 3, 3 से 10, 3 पे ब्रेक हो रखी है एक्स की वैल्यू। अगर 0 से 3 के बीच में हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें फंक्शन एक्स स्क्वायर लेना है, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो, और अगर एक्स की वैल्यू 3 से 10 के बीच में लाए करवाएंगे तो फंक्शन हमारा 3x हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे gx डिफाइन कर रखा है, आपको शो करना है कि f तो आपका फंक्शन बनेगा एंड g इज नॉट ए फंक्शन। देखिए, सबसे पहले इसको समझिए आप, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 3 एंड 3x, एक्स लाइज बिटवीन 3 to 10। ये दे रखा है आपके पास, क्या ये फंक्शन है? एफ एक्स को हम क्या लेते हैं? वाई लेते हैं फंक्शन, दिस इज एक्स वाई। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? 0 to 10। एक्स की वैल्यू यानी डोमेन में आपके पास क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसके रिलेटेड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इफ x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखोगे तो एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 स्क्वायर इज 0। इफ x इक्वल टू 1, देन y 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है। सेम टू सेम x की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर। मेन चीज़ क्या ध्यान देनी है, 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, 1 रख रहे हैं तो 1 आएगी, 2 रखेंगे देन 4, अगर हम 3 रखेंगे देन 9। अब देखिए, x इक्वल टू 3, अगर मैं x इक्वल टू 3 लेती हूँ तो फंक्शन एक्स स्क्वायर भी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है। और अभी यहाँ पे भी क्या रखा है कि x की वैल्यू 3 to 10 अगर हम लेते हैं तो फंक्शन हमारा 3x है। इसमें हम अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं, फंक्शन इज 3x, यहाँ पे पुट करेंगे, एफ ऑफ 3 निकालते हैं, 3 into 3 इज 9। दोनों ही केस में या तो हम ये फंक्शन ले रहे हैं या फिर 3x फंक्शन ले रहे हैं, दोनों ही केसेस में हमारे पास 9 और 9 सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो 3 है वो 9 से कनेक्ट होगा, 2, 4 से 10, चाहे हम एक्स स्क्वायर लें 3 के लिए या फिर 3x लें, समझ गए। तो y की वैल्यू दोनों ही केसेस में 9 आ रही है, चेंज नहीं हो रही यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट इज, ऐसे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। जैसे ही तुम x की वैल्यू 4 लेते हो तो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 3 to 10 हमें फंक्शन लेना है 3x, ठीक है। तो अगर हम 4 लेते हैं, दिस इज 12, अगर 5 लेते हैं 15, 6 लेंगे तो एंड 7, ऐसे सबके निकालते जाएंगे, 10 लेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डोमेन के नंबर एंड ये रेंज, ठीक है। अब यहाँ से देखो, क्या ये फंक्शन बन रहा है? ये इससे कनेक्ट है, 6 18 से, 7 21 से, 8 24 से, 9 रखा तो 27 वैल्यू दे रहा था, 10 रखेंगे तो 30 वैल्यू दे रहा है। अब फंक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक्स के जो आपके पास नंबर, डोमेन के जो एलिमेंट हैं, ये इनके पास यूनिक इमेज होने चाहिए। अब देखिए, हर एक एलिमेंट एक से कनेक्ट हो रखा है, ठीक है, किसी भी नंबर की दो इमेज नहीं है। मीन्स 3 पे हमने इसीलिए चेक किया था क्योंकि 3 पे अगर हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो भी 9 आ रहा है, और 3 पे अगर 3x लेंगे तो भी 9 आ रहा है। अगर यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग आ जाती तो ये हमारा फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो अब ये हम यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि यह आपके पास फंक्शन एफ इज ए फंक्शन, ठीक है। देन जो एफ एक्स यानी कि जो वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इज़ वेल डिफाइंड,
वेल डिफाइंड है. फोर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 3. ठीक है, वेल डिफाइंड मीन्स इसकी रियल वैल्यू आ रही है एंड यूनिक इमेज आ रही है. एफ एक्स इक्वल टू 3x, अगर हम एफ एक्स की वैल्यू 3x लेते हैं, दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड. एक्स की किन वैल्यूज के लिए? 3, 2, 10. ठीक है, 3 पे हम दिखा देंगे क्योंकि हमारा फंक्शन 3 पे ब्रेक हो रहा है, तो 3 पे आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा. एट एक्स इक्वल टू 3 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ 3 square इज अ 9. एंड सेम टू सेम केस में एफ ऑफ एक्स अगर हम 3x लेते हैं तो एफ ऑफ 3 इज ऑल्सो 9. 3 into 3 is 9. ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 3 दोनों केसेज में पुट करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो हमारा फंक्शन 3 पे ब्रेक नहीं हो रहा. दैट मीन्स यहाँ से हम बता दें क्लियरली f इज ए फंक्शन. ठीक है, चलिए सेम टू सेम आप जी एक्स को चेक करोगे. जी एक्स का देखिए कैसे करना है. जी एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर वेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2, 3x वेन एक्स लाइज बिटवीन 2 to 10. जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वेल डिफाइंड. दिख ही रहा है कोई इन्फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी. किसके लिए? 4x lies between 0 to 2. अगर हम x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में, 0 या 2 या इसके बीच में 1 आता है, रखेंगे x इस केस में तो ये रियल वैल्यू देगा. ठीक है, सेम टू सेम जी एक्स इज इक्वल टू 3x, दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड. 4x lies between 2 to 10. जो आपके पास सब प्रॉब्लम किस पे आएगी? जहाँ पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है, फंक्शन हमारा 2 पे ब्रेक कर रहा है, तो हम एट x इक्वल टू 2 फाइंड आउट करते हैं. x की वैल्यू 2 हम इस फंक्शन में भी रख सकते हैं और x की वैल्यू 2 यहाँ पे भी रख सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे भी x इक्वल टू दे रखा है. तो जब हम एट x इक्वल टू 2 पे निकालते हैं तो जी ऑफ x की वैल्यू क्या आती है? जी ऑफ x हमारे पास एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 2 इज 2 square इज 4. ठीक है, और अगर जी ऑफ x हमारे पास है 3x, यहाँ पे अगर हम निकालें जी ऑफ 2, एक्स की जगह पे 2 रखते हैं, तो क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो रहा है इसलिए हमें दोनों में पुट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी. दोनों के पास इक्वल है तो एक्स की वैल्यू 2 के लिए ये फंक्शन भी और एक्स की वैल्यू 2 के लिए इस फंक्शन को भी चेक करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे रखते हैं तो 3 into 2, दिस इज 6. एक ही नंबर के एक्स का नंबर 2, एक ही नंबर की दो इमेज आ गई, यानी कि जी एक्स हमारे पास 2 बन रहा है. कैसे? जैसे अभी हमने चेक किया था x की वैल्यूज हैं 0 से 10 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक चल रही हैं. ठीक है, x इज़ अ y और फंक्शन हमारे पास है z, देन 0 रख रहे हो तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 0 रखेंगे इज़ अ 0. ठीक है, 1 रख रहे हो तो 1 का स्क्वायर इज़ अ 1, 2 रख रहे हो तो 4. जैसे ही मैंने 2 इस फंक्शन में रखा तो हमारे पास जी एक्स की वैल्यू 4 आ रही है. ठीक है, बट अगर हम x की वैल्यू 2 इस फंक्शन में पुट करते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास 6 आ रही है. देन x की वैल्यू 3 रखेंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे, ना कि इसका, क्योंकि इसकी वैल्यूज 2 तक ही थी. यहाँ पे x की वैल्यू 3 इस फंक्शन में जाएगा तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करोगे तो 3 into 3 is 9. ऐसे ही चलते रहेंगे, 10 तक आप पुट करोगे, 10 लास्ट में रखोगे तो लास्ट में आ जाएगा 30. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, 0, 0 से कनेक्ट हो रहा है, 1, 1 से 2 की जो इमेज है 4 और 2 की इमेज 6 भी आ रही है. 2 रखा हमने, 4 भी आ रही है और 2 रखेंगे तो 6 भी आ रही है. तो यहाँ से क्या आ गया? एक नंबर की 2 प्री इमेज आ गई, 4 and 6. ठीक है, बट अगर किसी डोमेन में किसी भी एलिमेंट की अगर 2 इमेज आती हैं तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं बनता. तो यहाँ से हम लिखेंगे एज एक्स इक्वल टू 2 हैज 2 इमेज, 4 and 6. सो जी ऑफ एक्स इज नॉट ए फंक्शन. क्लियर? इस तरह से आपको देखना है, क्योंकि 2 की 2 इमेज आ जाती हैं इसलिए आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा.
देखिए क्वेश्चन सेकंड, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ 1.1 निकाल लीजिए। एफ ऑफ 1.1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पे एफ एक्स और यहाँ पे 1.1 है, चेंज क्या आ रहा है, एक्स की जगह पे हमने 1.1 रख दिया, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन है इसमें पुट कर देंगे 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो, 11 का स्क्वायर इज 1.21। एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, हमें ये टर्म फाइंड आउट करनी है, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, 1.1 की वैल्यू 1.21, माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.1 बच जाएगा, ठीक है। 1.21 में से 1 माइनस करो, दिस इज 0.1, पॉइंट हटा देंगे, 10 by 1 कैंसिल, 2.1 इज आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12, ठीक है। इसकी आपको फाइंड आउट करनी है डोमेन। चलिए फंक्शन कैसा है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज ए रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, दैट इज पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में। पी एक्स क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल है आपके पास, ये पी एक्स क्यू एक्स। जो रैशनल फंक्शन होता है कंडीशन क्या होती है, पी एक्स बाई क्यू एक्स और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। हमें इसका डोमेन निकालना है, दैट मीन्स आपको बताना है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, ओके। ये हम वाई ले लेते हैं, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन आपको शो कर रहे हैं डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या होता है डोमेन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ वाई एग्जिस्ट, जिसके लिए वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, यानी जिसके लिए हमारा एफ एक्स एग्जिस्ट कर जाए, एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम देखें न्यूमरेटर को, एक्स की कोई भी वैल्यू रखिए, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, सबके लिए डिफाइन है, दिस इज ऑल्सो डिफाइन, बट जो डेनोमिनेटर है हमारा वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। रैशनल फंक्शन में ये कंडीशन होती है कि जो डेनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो हम ये चेक कर लेंगे कि जो इसका डेनोमिनेटर है वो किन पॉइंट पे जीरो बन रहा है हमारा, ओके। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि जो हमारा वाई है y इज फाइनाइट या डिफाइंड लिख लीजिए, डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12 इक्वल टू जीरो। जिन पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल डेनोमिनेटर जो आपका जीरो बन रहा है उन पॉइंट को छोड़ के y सबके लिए डिफाइन हो रहा है, ठीक है, हर एक रियल नंबर के लिए। तो हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके लिए हमारा डेनोमिनेटर जीरो बनता है। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इन पॉइंट्स को छोड़ के y हमारा डिफाइन कर रहा है, तो हम पहले ये पॉइंट ही निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 12 होने चाहिए, एडिशन माइनस 8 6 माइनस 2 प्लस 12 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 6 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 6 इज ऑल्सो कॉमन, एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई 2 and 6, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं या फिर 6 रखते हैं तो हमारा जो डेनोमिनेटर है वो ज़ीरो बन जाता है, और हमें यही पॉइंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स 2 and 6,
ठीक है, दो और सिक्स को छोड़ के सभी रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन कर रहा है, यानी वाई की वैल्यू डिफाइन हो रखी है, तो हम क्या करेंगे, रियल में से इन्हीं दो पॉइंट को निकाल देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा डोमेन। क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। इसके आपको डोमेन भी फाइंड आउट करनी है, रेंज भी फाइंड आउट करनी है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, देन y हमारे पास क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स माइनस वन। हम डोमेन निकाल रहे हैं, मीन्स x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा y डिफाइन हो जाए, ठीक है। क्लियरली y इज डिफाइंड किस किस वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा, फॉर x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि अंडर रूट में जो क्वांटिटी होती है वो हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर नेगेटिव आ गई तो कॉम्प्लेक्स नंबर बना देंगे, ठीक है। That is x greater than equal to 1, डोमेन आ गया, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी इन्फिनिटी तक कोई भी ले सकते हैं, तो डोमेन आ गया हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्या आएगा आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू वन को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चेक करना है रेंज, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, वाई की वो वैल्यूज़ जिसके लिए एक्स डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो वाई के किन किन वैल्यूज़ के लिए एक्स डिफाइन होगा, हमें क्या चाहिए, एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो वन से इन्फिनिटी जा रही हैं, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो आपके पास डोमेन है ये वन से शुरू, वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सॉन इन्फिनिटी, ठीक है। वाई के हम क्या वैल्यूज रखें कि हमारे पास एक्स की वैल्यू डिफाइन हो जाए, देखिए यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू ले लेती हूँ ज़ीरो, वाई की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं, देन एक्स क्या आता है, वन, ठीक है। तो हमारी जो x की लीस्ट वैल्यू थी वो भी 1 है, यानी x हमारा 1 से स्टार्ट हो रखा है, तो यहाँ से हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, रेंज y की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और ऑल पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनिटी तक कहीं भी ले सकते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 1 लेती हूँ यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस 1 इज़ 2, ठीक है। और अगर y की वैल्यू ले लेते हैं माइनस वन, देन x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन का स्क्वायर इज ऑल्सो वन, वन प्लस वन इज टू, ठीक है। ध्यान से देखना है, y की वैल्यू अगर मैं 1 ले रही हूँ, y में अगर मैंने 1 लिया तो ये 2 से कनेक्ट हो रहा है, और अगर मैं y की वैल्यू माइनस वन लेती हूँ तो भी ये 2 से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे पुट करके देख लेंगे, y की वैल्यू 1 लेंगे तो भी x की वैल्यू 2 आ रही है, और y की वैल्यू माइनस 1 लेंगे तो भी x की वैल्यू 2 आ रही है। बट हमें क्या करना है, फंक्शन दे रखा है, ये हमारा फंक्शन बन ही नहीं सकता, इसलिए हमें y की वैल्यू जो रेंज में लेके चलेंगे, जो y की वैल्यू लेके चलेंगे वो नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए रेंज हमारी हो जाएगी ऑल जीरो, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन फिफ्थ इज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन। वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन, ये गिवन है आपके पास, आपको इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। एक्स की किस वैल्यूज के लिए वाई हमारा डिफाइन कर रहा है, ऑल रियल नंबर के लिए, यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर रखिए, वाई हमारा डिफाइन करेगा, यानी वाई की रियल वैल्यू आएगी, ठीक है। देन वाई इज डिफाइंड फॉर ऑल For all real numbers, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ठीक है। एक्स की कोई भी वैल्यू रखी, नेगेटिव पॉजिटिव, वाई हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ओके। तो रेंज क्या हो जाएगी, सिंपल देखने से ही पता चल रहा है, रेंज इज जीरो टू इन्फिनिटी, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, चाहे आप एक्स की नेगेटिव वैल्यू रखिए चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू रखिए। देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, देन वाई किससे कनेक्ट होगा, अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो लेती हूँ तो वाई इज माइनस मोड ऑफ माइनस वन, जीरो माइनस वन, दिस इज माइनस वन का
मोड, और ये हमारा वन बन जाएगा, ठीक है। तो वन से कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू लेती हूँ माइनस वन, माइनस वन लेंगे तो वन माइनस वन इज वाई इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, दिस इज माइनस टू एंड ये आ जाएगा टू। तो वाई हमारा टू से कनेक्ट हो जाएगा, माइनस वन से कनेक्ट हो टू, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो y की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, चाहे x की नेगेटिव रखो तो भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव देगा। तो रेंज हमारी हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्वेश्चन सिक्स, लेट f इक्वल टू x, x स्क्वायर अपॉन x प्लस वन। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। तो एफ एक्स की वैल्यू बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, यानी ये हमारा वाई नंबर हो गया। हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज के लिए हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपके पास गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, एक्स को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस वाई, माइनस वाई को एडजस्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के माइनस से कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास एक्स की वैल्यू। तो एक्स आ गया, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन वन माइनस वाई, ठीक है। हमें रेंज चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा कि y के किस वैल्यू के लिए हमारा x डिफाइन कर रहा है, वो हमारी रेंज हो जाएगी। देन x इज डिफाइंड व्हेन, जो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है y अपॉन वन माइनस वाई इज ए पॉजिटिव, अगर ये नंबर पॉजिटिव होगा तभी हमारे पास ये डिफाइन करेगा, ठीक है। बहुत साइड माइनस अप्लाई कर देते हैं, माइनस वाई अपॉन वन माइनस वाई जो इक्वालिटी है उल्टी हो जाएगी, दिस वन ऐड कर देते हैं, वन सब्ट्रैक्ट, वन माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। जो वन माइनस वाई है दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस वाई अपॉन वन माइनस वाई, सेपरेट कर लिया हमने, वन माइनस अपॉन वन माइनस वाई माइनस वन अपॉन दिस लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, वापस हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इम्प्लाइज दैट ये जो आपके पास वन, इस क्वालिटी को इधर ले जाते हैं, लेस देन इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस वाई। अब ये जो इक्वालिटी है वाई के किस किस नंबर के लिए होल्ड कर सकती है। अगर मैं वाई की वैल्यू ज़ीरो ले लेती हूँ, यहाँ पे अगर y को हम 0 पुट करते हैं, देन 1 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0 इज अ 1, यानी कि 1 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें लेस देन की कंडीशन दिखानी है कि यहाँ से जो ये नंबर है, ये कंप्लीट हमारा नंबर 1 से ग्रेटर आना चाहिए। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखती हूँ, y की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं यहाँ से, तो ये राइट हैंड साइड क्या आती है, 1 अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दिस इज 1 अपॉन माइनस 1 माइनस वन। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो वन लेस देन इक्वल टू माइनस वन, दिस इज नॉट पॉसिबल, वन माइनस वन से छोटा तो नहीं हो सकता। तो वाई इज इक्वल टू टू, यानी वन से अगर मैं बड़ी वैल्यू लेती हूँ तो यहाँ पे वो डिफाइन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे वन से ग्रेटर लेके पुट करके देखेंगे, वन से ग्रेटर वैल्यूज रखेंगे, तो ये इनक्वालिटी हमारी होल्ड नहीं करेगी। इसलिए हमें, अगर मैं y की वैल्यू जीरो लेती हूँ तो होल्ड कर रही है, वन से ग्रेटर लेती हूँ देन नहीं कर रही। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, y जो है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन वन होना चाहिए। दैट मीन्स वन से छोटा, ज़ीरो के इक्वल या ग्रेटर। मान लें मैंने y की वैल्यू ले ली हाफ पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, वन अपॉन वन माइनस हाफ, दिस इज वन अपॉन हाफ हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देते हैं टू आ जाएगा। देन इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वन था, वन लेस देन इक्वल टू टू, तो वन टू से लेस होता ही है, इनक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी व्हेन वाई लाइज बिटवीन जीरो टू वन, ठीक है। तो रेंज आ जाएगी आपके पास, वाई बिलोंग्स टू जीरो टू वन, वन इज ओपन,
वन भी आपको ओपन लेना है। क्यों? अगर आप वाई की जगह वन रखते हो तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी नंबर डिफाइन नहीं होता है, इन्फाइनाइट नंबर होता है, तो इसलिए रेंज आ जाएगी इसके अंदर। रेंज पूछ रखा है इसने, तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 to 1। क्वेश्चन 8, एफ इक्वल टू 1 1 2 3, 0 -1 -1 3, ये आपके पास एफ दे रखा है। बी ए फंक्शन, फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, फॉर सम इंटीजर्स ए बी, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए फंक्शन में जो आपके पास ऑर्डर पेयर दे रखे हैं 1 1, दैट मीन्स जेड टू जेड 1 1, मीन्स यहाँ पे आपके पास 1 है, 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 3 2 3 से रिलेट कर रहे हैं, 0 -1 से, एंड -1 इज -3 से, ये आपके पास गिवन है फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू किसकी होती है, अगर हम ये एक्स लेते हैं तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ 1 किस से रिलेट कर रहा है, 1 से, तो हम लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ तो ये हमारा किससे कनेक्ट हो रहा है, 1 से कनेक्ट हो रहा है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखती हूँ तो वैल्यू हमारी 3 आ रही है, दिस इज 3, एफ ऑफ 0 इज -1, एंड एफ ऑफ -1 इज -3, हमारे पास 4 इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ 1 निकाल लीजिए, यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा 1 के, एफ ऑफ 1 निकालते हैं, एक्स को रखेंगे हम 1, ठीक है, एफ ऑफ एक्स में, दिस इज एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी, और एफ ओ 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो एफ ओ 1 हो जाएगा 1, दिस ए इंटू 1 इज ए प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेम टू सेम एफ ओ 2 इक्वल टू 3 से निकाल लेंगे, तो एफ ओ 2 यहाँ पे रखते हैं, एफ ओ 2 तो ये आ जाएगा ए इंटू 2 प्लस बी, एफ ओ 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3, दिस इज 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक बार दोनों को सेपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 -3 इज अ -2, दिस इज इक्वल टू a में से 2a इज अ -b, से b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और a की वैल्यू इसमें रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -1, 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस b, देन b इज इक्वल टू 1 -2 इज अ -1। Let R be a relation from n to n. N is a natural number. Defined by R is equal to AB. Relation में AB order type के element होंगे, जहाँ पर relation दे रखा है A equal to B square. R of the following true, यानी कि आपके पास 3 conditions, 3 statement दे रखी हैं, आपको बताना है क्या ये आपके पास true है। चलिए first देखिए, कहते हैं 1 1 belongs to R for all A belongs to natural number. अगर हम first condition को check करते हैं, A A belong करना चाहिए relation में, for all A belongs to natural number, क्या ये true है? कोई भी natural number उठा लीजिए, देखिए 1 natural number होता है, अब ये relation में कब जाएगा, जब A equal to B square हो, यानी ये जो condition दे रखी है ये तभी true है if A equal to B square condition को hold करता हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लेते हैं 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए की वैल्यू हमारी 1 हो गई, देन 1 1 बिलोंग करेगा रिलेशन से इफ़ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, होता है। अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं 2 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, ठीक है, तो हम कह रहे हैं 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 2 रिलेशन से बिलोंग करेगा, सेम एलिमेंट होने चाहिए ना, तो 2 2 रिलेशन में जाएगा इफ़ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 इक्वल टू 4, बट ये तो होल्ड कर ही नहीं सकती, विच इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम कह देंगे कि 2 2 डजेंट बिलोंग्स टू रिलेशन एज 2 नॉट इक्वल टू
टू स्क्वायर इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा तो टू और टू आपके पास रिलेशन में नहीं जाएगा। तो ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ओनली वन के लिए ट्रू कर रहा है, बट बाकी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, इसलिए आपके पास नॉट ट्रू। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। कहता है कि अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए भी आर में बिलोंग करता है। चलिए, ए बी नेचुरल नंबर दे रखे हैं, हमने मान लिया ए को हम ले लेते हैं टू, बी को ले लेते हैं फोर। नेचुरल नंबर आपके पास टू फोर बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में कब जाएगा, यहाँ से देखेंगे कंडीशन होल्ड करना चाहिए ए इक्वल टू बी स्क्वायर, उल्टा ले लिया हमने, ए को हम ले लेते हैं फोर, बी को ले लेते हैं टू। अब ये होल्ड कर जाएगा कंडीशन कि अगर यहाँ पे हमें ए बी रिलेशन में दे रखा है, ये बताना है कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो हम पहले लेके चलते हैं कि ए इक्वल टू फोर, बी इक्वल टू टू, फोर टू बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि फोर इज इक्वल टू, कंडीशन ए इक्वल टू बी स्क्वायर की है आपके पास। ठीक है, तो ए हमारा फोर हो गया, बी टू, इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या उल्टा भी होल्ड करता है। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं टू फोर, क्या ये इसमें रिलेशन में बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू रिलेशन करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ से पहले देख लीजिए, यहाँ पे हमने ए ले लिया है अभी टू, क्योंकि ए बी को बनाना है बी ए, तो ए हमारा टू हो जाएगा और बी हमारा फोर हो जाएगा। ठीक है, तो टू इज ए इक्वल टू बी स्क्वायर, टू इज़ नॉट इक्वल टू फोर स्क्वायर, टू फोर के स्क्वायर के इक्वल कभी नहीं आ सकता। इसलिए अगर फोर टू रिलेशन में बिलोंग कर रहा है बट टू फोर डजेंट बिलोंग्स टू रिलेशन एज टू नॉट इक्वल टू फोर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड इज ऑल्सो नॉट ट्रू। थर्ड चेक करते हैं, ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, देन आपको बताना है ए सी, ए सी आना चाहिए यहाँ पे, ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए, ए बी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ए इक्वल टू होगा बी स्क्वायर एंड बी इक्वल टू होगा सी स्क्वायर। तो ए बी सी आपको ऐसे नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं जो इन दोनों कंडीशन को होल्ड करता हो। ठीक है, ए हम ले लेते हैं फोर, सिक्सटीन ले लेते हैं, बी इज अ फोर, सी इज अ टू। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होल्ड करता है, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर होल्ड कर रहा है, बी इक्वल टू सी स्क्वायर, बी की वैल्यू रखेंगे 4, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये भी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ए की वैल्यू हमने क्या ली 16, बी की वैल्यू ली हमने 4, दिस इज बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, एंड 4 टू ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हमें चेक करना है क्या ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। ए हमारे पास 16, सी हमारे पास 2 है, चेक करते हैं, ए सी दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू 16, सी इज अ 2। ठीक है, दिस इज डजेंट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि 16 नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, कंडीशन हमें लेके चलनी है अगर ए सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स ए इक्वल टू सी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो ए इक्वल टू सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 2 का 4। तो यहाँ से ये जो आपके पास 16 नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट ट्रू। क्वेश्चन 10th, सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है और एफ दे रखा है आपके पास 1529314521। कहता है क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। फर्स्ट इज एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ को बताना है क्या आपके पास ये रिलेशन बनेगा,
ए से बी। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फर्स्ट के लिए ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी 1 1 1 5 1 9 इस तरह से सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दें। ठीक है, अगर आप जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे इसके, तो अगर ये एफ सबसेट है ए क्रॉस बी का, अगर ये एफ यानी कि ये सारे एलिमेंट अगर ए क्रॉस बी में मिल जाते हैं तो एफ हमारा रिलेशन बन जाएगा ए टू बी। समझ गए? तो हमें क्या करना है, ए से बी तक के कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिखने हैं। सेकंड में क्या पूछ रहा है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या एफ फंक्शन है ए से बी? तो हम क्या चेक करते हैं, बाकी रिलेशन से ए क्रॉस बी से कोई मतलब नहीं है, जो एफ दे रखा है क्या ये फंक्शन बनेगा? तो इसका हम फर्स्ट कंपोनेंट चेक करते हैं, 1 2 3 4 एंड 2। दोबारा से रिपीट हो गया हमारा, देखो 2 एंड 2 रिपीट कर रहा है तो ये हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। सेकंड में आप लिखोगे एज ऑर्डर्ड पेयर्स 2 9 एंड 2 11 हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, जो इनका फर्स्ट कंपोनेंट है दोनों का सेम है, देयरफॉर एफ इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, रिलेशन बन जाएगा जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो यहाँ से सारे एलिमेंट इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एफ रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। 11 लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू ए बी ए प्लस बी, मीन्स ये डोमेन का एलिमेंट होगा, ये को डोमेन का एलिमेंट होगा। ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर इज अ फंक्शन इज अ एफ इज अ फंक्शन सॉरी इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन बनेगा, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए क्या दे रखा है, एफ ऑफ ए बी ए प्लस बी, दैट मीन्स जो ए बी नंबर है वो आपका होगा डोमेन का और ए प्लस बी नंबर है ये होगा कोडोमेन का। ए बी इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इंटीजर पुट करके देख लीजिए। फर्स्ट मैं ले लेती हूँ, ए की वैल्यू इज़ अ 1 एंड बी इज अ 8। ठीक है, रखिए ए बी क्या आया, 1 × 8 इज 8 और ए प्लस बी इज 1 + 8 इज 9। ठीक है, मंथ मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी हमारे पास आया 8 और दिस इज 9। सेकेंडली अगर ए को मैं 2 ले लेती हूँ, बी को 4 ले लेती हूँ, देन ए बी क्या आएगा, 2 × 4 इज ऑल्सो 8 एंड ए प्लस बी 2 + 4 इज 6। ए बी हमारे पास 8 ही आ रहा है, ए प्लस बी यानी कि कोडोमेन का नंबर क्या आ रहा है 6। 8 9 से भी कनेक्ट, 6 से भी कनेक्ट, दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ 2 इमेज इन सच कोडोमेन। ठीक है, ये आपके पास डोमेन होता है और ये कोडोमेन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक नंबर की 2 इमेज आ रही है तो ये फंक्शन नहीं बन सकता, देयरफॉर एफ इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे आप लिखोगे कि एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज 2 इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, या फिर लिख सकते हो एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज नॉट यूनिक इमेज इन सेट कोडोमेन। तो इसलिए इसकी यूनिक इमेज नहीं है, देन एफ इज नॉट ए फंक्शन। 12 ए इक्वल टू 9 10 11 12 13 सेट दे रखा है और फंक्शन दे रखा है एफ फ्रॉम ए टू एन बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। मीन्स आपके पास ए सेट दे रखा है डोमेन, एन सेट इज अ कोडोमेन और जो फंक्शन है दोनों के बीच वो दे रखा है एफ फ्रॉम ए टू एन।
ठीक है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ से, रेंज निकालनी है। डोमेन के एलिमेंट दे रखे हैं 9, 10, 11, 12, 13, ये आपके पास दे रखे हैं डोमेन के एलिमेंट। आपको निकालने हैं इसके एलिमेंट। निकालोगे कैसे, रिलेशन दे रखा है कि जो एफ ऑफ एन है, मीन्स इसके जो नंबर आएंगे ये होने चाहिए द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, मीन्स एन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन बिलोंग्स टू ए। तो जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा प्राइम, वो आपको उधर लेना है। जैसे 9 है, 9 को हमने लिखा 3 × 3, 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इन दोनों में, ये तो दोनों सेम ही है, ठीक है। और क्या हो सकता है प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन में, और कोई नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो 9 होगा वो 3 से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10, 10 को हम लिखेंगे 5 × 2, तो यहाँ में हाईएस्ट कौन है, प्राइम नंबर इज अ 5, 5 इज हाईएस्ट फैक्टर एंड प्राइम ऑल्सो। नेक्स्ट इज 11, 11 को क्या लिखेंगे, 11 × 1, बोथ आर प्राइम, सॉरी 11 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, और हाईएस्ट फैक्टर है, 11 11 से कनेक्ट हो जाएगा। 12, 12 को लिखोगे 4 × 3, और क्या लिख सकते हो 6 × 2, ठीक है। और इसमें हाईएस्ट कौन है, प्राइम नंबर, तो ये भी है, ये भी आ रहा है, तो 3 इसका ये आ जाएगा, 3 से कनेक्ट होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज़ अ। और 13 को 13 × 1, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 30, ये आ जाएगा। तो रेंज क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ से, रेंज इज 3, 5, 11, 3 and 13, दिस सेट इज अ रेंज ऑफ एफ। 3 यहाँ पे 2 टाइम कनेक्ट हो रहा है, देखो 3 सेम आ रहा है ना, तो इसको आप 1 टाइम लिख सकते हो सेट में, हम इसको एक ही बार काउंट कर सकते हैं। तो 5, 11, 3, 13, यहाँ से कैसे दिखाओगे, 12 को इससे कनेक्ट कर दीजिए 3 से, क्योंकि दोनों के 3 आ रही है ना, 12 में भी 3 आ रहा है और 9 में भी 3 आ रहा है। तो ये फंक्शन बन सकता है बिकॉज एक नंबर की 2 प्री इमेज हो सकती हैं, बट डोमेन में एक नंबर की 2 इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 5, 11, 3 and 13। ये थी आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज, रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर कंप्लीट, एंड इसको ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।